टैक्स नाके को शहर की सीमा से बाहर करते हुए लोकल व्यवसाय वाहनों को छूट देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने सागर रोड पर टोल टैक्स नाके के विरोध में करीब एक घंटे चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान दोनों ओर से करीब 10 किलोमीटर का जाम लग गया। सूचना मिलते ही रायसेन से SDM LK खरे, नगर निरीक्षक मनोज सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से चर्चा कर जनता की समस्या को देखते हुए सर्वप्रथम चक्का जाम समाप्त कराया। SDM कई बार टोल नाके के मुख्य व्यक्ति से चर्चा करते देखे गए, पर कोई निर्णय नहीं हुआ। सैकड़ों की संख्या मौजूद लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। रायसेन शहर के आम नागरिक और वाहन चालकों की ओर से अनुरोध किया गया। रायसेन शहर के सागर मार्ग स्थित MPRDC का टोल नाका बना हुआ है। यह टोल नाका रायसेन नगर पालिका के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीमा में रहते हुए आने जाने का टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं टोल नाके पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा आम नागरिकों और लोकल व्यापारिक वाहन चालकों से अभद्रता भी की जाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, उक्त टोल नाके को रायसेन नगर पालिका सीमा क्षेत्र से बाहर किया जाए। उन्होंने आज जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी बात करी है जी, और कार्यकर्ताओं ने भी बात की है। आपको कहना देखते हैं क्या चाहते हैं आप? एक परलांग के कोई भी 800 रुपए नहीं देगा जी, मात्र हमारी छूट जो मांग रहे हैं यहाँ से रोड का उपयोग एक परलांग हो रहा है। एक पल्ला के लिए कोई सा भी डंपर वाला 820 रुपए नहीं देगा, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, रोड टोल लोकल के लिए इससे पूर्व में भी 10 साल चला, लेकिन कोई लोकल के लोगों को परेशानी नहीं आई। लेकिन आज जो है ये दारू वालों ने ठेका लिया तो उनकी बदमाशी चल रही है। रायसेन से बिमलेश कुमार की रिपोर्ट।